लोगे आप क्या गोवा का सिविल कोड खत्म कर देंगे आप? परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़े हुए हैं मैं आपको बता देता हूं। राखी राठौर जी हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद अली साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद शरीफ साहब अध्यक्ष साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक है, लेखक है, चिंतक है, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ है। दानिश कुरैशी जी हैं, नेता है AIMIM के, वो मेरे साथ है। अब दानिश कुरैशी जी, कानून बना CAA संसद ने बनाया, आपने कहा तो गैर कानूनी नहीं है। अब आपको यूसीसी से क्या प्रॉब्लम हो रही है और आप ही लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, बाकी धर्म वालों को क्यों नहीं हो रही है? देखिए दीपक भाई, ये जो आपकी बात जो है ना, मुझे लगता है कि ये बात ही गैर संवैधानिक है। किसी भी कानून का विरोध करना और सहयोग करना ये हमारा संवैधानिक हक है, इसलिए आप ये कहें कि सरकार ने ला दिया इसलिए विरोध नहीं करना, ये तो लॉजिकेबल बात तो नहीं है दीपक भाई। क्या लॉजिक है? आप देखिए देश में बहुत सारे कानून ऐसे आए जिनमें विरोध हुआ, कई मामलों में विरोध होने के बावजूद भी जबरन सरकारों ने लागू करा, दूसरी सरकारें बदली तो उन्होंने इसको चेंज भी किया, कई बार सरकार पे ज्यादा दबाव आया तो कई बार विड्रॉ किया, कई बार तो डिस्कार्ड तक कर दिया गया। तो ये सारी चीजें लोकतंत्र का हिस्सा है, इसलिए आप एक जो बात कह रहे हैं ना कि आप सरकार लेकर, अरे सरकार क्या हुक्म लेके आई है, क्या अल्लाह के घर से उतर रही है क्या? सरकार का काम है लोगों के लिए सरकार बनाना, लोगों के लिए नियम कानून बनाना, वही तो बना रही है दानिश भाई, उसमें भी आपके पेट में दर्द है। तो लोकतंत्र का सबसे सबसे बड़ा जो मर्म है वो ये है कि लोकतंत्र में सरकार का काम ये था कि लोगों के बीच में जाके उनकी चीजों को समझे। अरे कराए ना, इतनी लंबी प्रैक्टिस हुई है 2 साल में वहां पर। अरे सुनिए तो, इतना लंबा सुझाव मांगे गए, पत्र आए, लेटर आए, सब लोगों से मिले, उसके बाद ड्राफ्ट बना, ड्राफ्ट के बाद कानून बना। अरे सवाल यहाँ ये आके खड़ा होता है कि आप लोगों के बीच में जाके तो 15 लाख की बात करते हैं, फिर जाके 15 लाख में आ गए। दानिश कुरैशी साहब ये बता दीजिए, यूसीसी में दिक्कत क्या है? दीपक भाई सुनिए, ये जो परेशानी है ना, ये बता दीजिए यूसीसी में दिक्कत क्या है, एक पॉइंट बताइए यूसीसी में ये दिक्कत है। देखिए और सिर्फ मुसलमानों में ही पुरजोर विरोध क्यों? एक जनाब तो यही कह रहे थे पब्लिक मीटिंग में, उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूँ, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए यूसीसी लाया गया है, उन्होंने काबिल वकील है। किसकी बात कर रहा है? नहीं मैं नाम नहीं लेता हूँ, मैं जानता हूँ यूसीसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं उत्तराखंड में, वो कह रहे हैं अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए यूसीसी लाया गया है। देखिए वो तो आपको आपके सामने है, देश के कितने लाखों करोड़ रुपए देश के कॉर्पोरेट्स को डोनेट कर दिया, आपको कुछ मिला? हमको तो 15 रुपए भी नहीं मिले, आपको मिले दीपक भाई? बैरिस्टर साहब के पास बहुत है, ले लीजिए उनसे, असदुद्दीन ओवैसी साहब से बहुत है, उनसे खानदानी बहुत है उनके पास, बहुत कुछ है बैरिस्टर साहब, अरे ले लीजिए उनसे थोड़े से दानिश भाई, दे दीजिए दीपक भाई, यही हमारे लिए काफी है, वही सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने 15 लाख का कोई इंश्योरेंस नहीं दिया है कि तुम मेरी पार्टी में जुड़ जाओगे तो मैं 15 लाख। उन्होंने 15 मिनट फौज हटाने की बात कही थी, उन्होंने सिर्फ 15 मिनट फौज हटाने की बात कही थी, क्योंकि 15 लाख की बात नहीं कही, 15 मिनट फौज हटाने की बात कही थी बैरिस्टर साहब के छोटे भाई ने। अब सुन भी लीजिए दानिश भाई, सुन भी लीजिए संगीत रागी जी की बात, सुन लीजिए। देखिए बैरिस्टर साहब के भाई ने कहा था कि 15 मिनट अपनी पुलिस हटा लो, फिर हम बताते हैं कि हम क्या हैं, और वही वो धमकी जो है, वो धमकी का जो सॉफ्ट स्वरूप है, एंड्रॉयड वर्सन जो है, वो दानिश जी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा विरोध करना तो अधिकार है, बिल्कुल विरोध कीजिए, फिर वो कह रहे हैं मनाते बताते समझाते, जिस समाज को 75 साल में नहीं समझाया जा सका, यकीन मानिए उस समाज को आने वाले 150 साल तक भी आप नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि वो समाज का जिद ही एक अलग है। वो समाज कहता है कि हम जहां हैं हमारी शरीयत के अनुसार ही चलना चाहिए। और मज़ेदार बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रहा था तो अंबेडकर साहब ने सवाल उठाया था कि ये शरीयत लॉ डिवाइन कहाँ से है, ये तो 1937 में ब्रिटिश लोगों ने कोडिफाई किया था और उसी के अनुसार आप चलने की बात कर रहे थे। आप कहते हैं, आज कहते हैं कि विविधता को देना चाहिए,
संभावना जितनी हो उसको पराश्रय देना चाहिए। यही सवाल डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में कहा था कि जो कोंकण के एरिया के मुसलमान हैं, जो दक्षिण भारत के मुसलमान हैं, वो रीति रिवाज और परंपरा में उत्तर भारत के मुसलमानों से अलग हैं, रीति रिवाजों से अलग हैं, शादी ब्याह में उनका अलग है, डिवोर्स के रीति रिवाजों में उनका अलग है। तो आप सारे मुसलमानों को कोडिफाई करके एक एक कोड के अंदर लाने का मतलब आप मुसलमानों को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकली तौर पर। ठीक है, ऐसे हम अंग्रेजी में एक शब्द करते हैं होमोजेनाइजेशन एंड हेजेमनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स। तो ये अपने आप में बड़ा नकारात्मक शब्द है और उसी की ये धमकी मिलती है कि देखिए हम तो 25 करोड़ हो गए हैं, 20 करोड़ हो गए हैं, आप संसद से कानून बनाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम शाहीन बाग खड़ा कर देंगे, हम ये कानून लागू ही नहीं होने देंगे। तो ये तर्क जो है वो बहुत दिन तक इस देश में अब चलने वाला नहीं है। यही बात शायद अली जी समझते हैं, शायद अली जी एक बुराई बताइए यूसुफ, और एक वाजिब प्रश्न है और एक वाजिब सवाल ये है दीपक जी कि जब आपको क्रिमिनल लॉ सबके लिए समान है, उससे इस्लाम खतरे में नहीं होता है, उससे शरीयत खतरे में नहीं होता है, तो सिविल लॉ के आ जाने से इस्लाम कहां से खतरे में हो जाता है? ये सबसे लॉजिकल सवाल हो जाता है। शाहिद अली साहब तो वकील है, शाहिद अली साहब आप क्रिमिनल लॉ तो मानते हैं ना, शरिया कानून तो मानते नहीं, आग के बदले आग, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान, दीपक भाई मानते हैं ना क्रिमिनल लॉ, मानते हैं शाहिद भाई? दीपक भाई हमारे देश का जो भी कानून है हम उस कानून को मानते हैं, यूसीसी भी हमारे और देश आप का भी कानून मानते हैं, सबको मानना सीए ही भी होगा, हमारे देश का कानून है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, यूसीसी लाने की एक कोशिश की जा रही है और वो क्यों की जा रही है, उसके पीछे रीजंस क्या है, उसका मकसद क्या है? सिर्फ मुसलमानों को अजियत पहुंचाना, मुसलमानों को परेशान करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक पॉलिसी उस वक्त कांग्रेस चलती थी, अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स, आज की डेट में जो पॉलिसी चल रही है वो ये चल रही है हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स, एक तरह से वारसी शुरू कर रखी है कि साहब इनको जितनी अजियत पहुंचाओगे वो दूसरे हिंदू भाई खुश होंगे, ऐसा नहीं है। हिंदू भाई ना तब नाराज थे ना आज खुश है। सुन लीजिए बता रहा हूँ, दीपक भाई सुनिए, हमला किया दीपक भाई सुनिए, उसी आपको कोर्ट में, दीपक भाई सुनिए, बहुत सारे किसी ने डराया धमकाया, आपके भाई जवाब सुन लीजिए, व्यक्तिगत बता दीजिए, दीपक भाई पूरे पैनल को दिखाइए प्लीज, दीपक भाई जवाब सुन लिए जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं हिंदुस्तान का एक अदनासा सिपाही हूं, मैं हिंदुस्तान का एक अदनासा नागरिक हूं। हिंदुस्तान की जितनी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है उतनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी है, हिंदुस्तान को एक रखने की ताकतवर बनाने की जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी मेरी भी है, जितने राइट्स आपके तो ताकतवर बनाइए ना, यूसीसी मानी है, राइट्स आपके हैं, ताकतवर बनाइए शायद भाई, सीए मानी मानने से ताकतवर नहीं बनेगा, राम मंदिर मानी है, यूसीसी मानने से ताकतवर नहीं बनेगा, ताकतवर किस चीज से बनेगा और किस चीज से बना है? इस कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए पाकिस्तानियों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना ना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी वजह से हम लगातार ताकतवर बन रहे हैं, क्योंकि देश का बंटवारा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी नहीं लिखा हुआ है, डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स में और ड्यूटीज में, ड्यूटीज में राइट्स आप लोगों ने मानी कब है शायद भाई, ये बता दीजिए, यूसीसी की बात कर रहे हैं दीपक भाई, मुझे एक मिनट अपनी बात जरा कहने दीजिए, उसके बाद में जो आपकी जितनी क्वेश्चन है ना मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। हमारे मुल्क में जो व्यवस्था है, या हिंदू मैरिज एक्ट भी है लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं है, यहाँ पर हिंदुओं के लिए अलग कानून है, यहाँ पर हिंदू गार्जियन वार्ड्स एक्ट है लेकिन मुसलमानों के लिए हिंदू मुस्लिम गार्जियन वार्ड्स एक्ट नहीं है, यहाँ पर हिंदुओं के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट है लेकिन मुसलमानों के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं है, यहाँ पर टीपीए के प्रोविजन हिंदुओं पर लागू हो जाते हैं मुसलमानों पर वो भी लागू नहीं होते हैं, यहाँ पर आप यह देखिए जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से किया गया है। हाँ यहाँ पर कुछ सेकुलर एक्ट बने हैं, हम दाद देते हैं भारत सरकारों की, जिन जिन सरकारों ने बनाए हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जैसे गार्जियन वार्ड्स एक्ट है जहां पर मुसलमान भी जा सकते हैं हिंदू भी जा सकते हैं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है जहां पर हिंदू भी जा सकती मुसलमान भी जा सकती, जब ये तमाम एक्ट मौजूद हैं जिनको सेकुलर एक्ट कहते हैं, तमाम सेकुलर एक्ट मौजूद हैं, हिंदुओं के अलग एक्ट मौजूद हैं, तो ये जो आप एक्ट बनाने की बात कर रहे हो यूसीसी, ये बेसिकली आप
हिंदुओं के उन सारे एक्ट को खत्म करना चाहते हो, मुसलमानों को तो आप सिर्फ एक चीज को खत्म करना चाहते हो, शरीयत एक्ट 1937 जो सिर्फ दो पेज का एक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे लिए अलाउड है, आप उसको खत्म करने के लिए तमाम हिंदुस्तान के हिंदू एक, एक मिनट रुक जाइए, मैंने पूरी बात सुन ली संगीत राठौर जी के पास जाऊंगा सिर्फ 10 सेकंड, फिर राखी राठौर जी। देखिए सब